हेलो एवरीवन, अभी हम लोग क्लास 8 इंग्लिश में हिट्स हैपन बुक से चैप्टर प्रिंसेस सितंबर के क्वेश्चन आंसर्स को देखेंगे। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी डॉटर्स डिड द रॉयल कपल हैव। जो सही जोड़ा था उनकी कितनी बेटियां थीं, उनकी 9 बेटियां थीं। इसी को इसके आंसर में लिखेंगे, द रॉयल कपल हैड 9 डॉटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई वेयर दे नेम्ड आफ्टर द मंथ्स ऑफ द ईयर। उनका नाम साल के महीनों के जैसा क्यों था। देखिए, उनकी जो मम्मी थी क्वीन, उसको उनके नाम याद करने में बहुत दिक्कत होता था, इसलिए इजी वे में उनका नाम याद करूंगी करके उन्होंने उनका नाम साल के महीनों के जैसे रखा था। इसी को अपने वर्ड से मैं यहाँ पे इसके आंसर में लिखना है, दे वेयर नेम्ड आफ्टर द मंथ्स ऑफ द ईयर। ये पूरा का पूरा हमने क्वेश्चन से लिखा हुआ है, बिकॉज द क्वीन फाउंड इट डिफिकल्ट टू रिमेंबर देयर नेम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द किंग हैड अ पेक्यूलियर हैबिट, व्हाट वाज इट, व्हाई इज इट कॉल्ड पेक्यूलियर। देखिए, पेक्यूलियर का मतलब होता है विचित्र या अजीब। राजा का एक बहुत ही विचित्र आदत था, वो आदत कौन सा था और उस आदत को यहाँ पे विचित्र क्यों कहा गया है। देखिए, आमतौर पे क्या होता है कि जब हम बर्थडे मनाते हैं तो लोग आके हमको गिफ्ट देते हैं, लेकिन राजा जो थे वो अपने बर्थडे पे दूसरों को गिफ्ट दिया करते थे। यही जो है एक विचित्र आदत उनके में था, क्योंकि आमतौर पे लोग बर्थडे में गिफ्ट लेते हैं। इसी को इसके आंसर में हमको लिखना है, द किंग हैड अ पेक्यूलियर हैबिट ऑफ गिविंग गिफ्ट्स ऑन हिज बर्थडे। इट इज कॉल्ड अ पेक्यूलियर बिकॉज यूजुअली पीपल रिसीव गिफ्ट्स ऑन देयर बर्थडेज। देखिए, क्वेश्चन 4 के 3 पार्ट हैं। इसमें फर्स्ट पार्ट वाला क्वेश्चन है, व्हाट वॉज प्रिंसेस सेप्टेम्बर्स रिएक्शन टू द लॉस ऑफ हर पैरट। अपने तोते को खोकर जो प्रिंसेस सितंबर थी उसका रिएक्शन कैसा था। तोते को खोने के बाद जो प्रिंसेस थी वो लगातार रो रही थी। इसी को यहाँ पे इसके आंसर में लिखेंगे, सी वेप्ट कंटिन्यूसली एट द लॉस ऑफ हर पैरट। क्वेश्चन 4 का सेकंड है, व्हाट वाज हर मदर्स रिएक्शन टू इट। इसको लेकर उनकी मम्मी का रिएक्शन क्या था। उनकी मम्मी जो क्वीन थी वो प्रिंसेस के रोने धोने को बकवास बोल रही थी। इसी को अपने वर्ड से में लिखेंगे, हर मदर डिक्लेयर्ड हर वीपिंग एज नॉनसेंस। क्वेश्चन 4 का थर्ड पार्ट है, व्हाट डू द रिएक्शंस इंडिकेट अबाउट द नेचर एंड द टेम्परामेंट ऑफ ईच। देखिए, इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि दोनों के रिएक्शन से उनके आदत और व्यवहार के बारे में क्या पता चलता है। देखिए, जो प्रिंसेस थी ना वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव थी, दयालु थी, लेकिन जो महारानी थी वो थोड़ा कठोर थी। इसी को अपने वर्ड से लिखेंगे, द प्रिंसेस वॉज वेरी सेंसिटिव वेयर एज द क्वींस बिहेवियर वॉज अ लिटिल हार्श। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट पुल्ड द प्रिंसेस आउट ऑफ हर ग्लूम। किस चीज़ ने राजकुमारी को उदासी से बाहर निकाला था। देखिए, राजकुमारी जब छोटी चिड़िया का गाना सुनती है तो अपने तोते को भूल जाती है, और उस गाने ने ही उसको उदासी से बाहर निकाला था। इसी को यहाँ पे अपने वर्ड से लिखेंगे, अ लिटिल बर्ड्स सॉन्ग पुल्ड द प्रिंसेस आउट ऑफ हर ग्लूम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड द मेड्स ऑफ ऑनर कम टू नो दैट द प्रिंसेस एंड द बर्ड हैड बिकम इंटीमेट फ्रेंड्स। इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि जो नौकरानियाँ थीं उन्होंने इस चीज़ को कैसे जाना कि प्रिंसेस और चिड़िया अब अंतरंग दोस्त बन चुकी थीं। जब उन्होंने देखा कि छोटी चिड़िया जो है वो राजकुमारी के हाथ से चावल खा रही है, तभी उनको इस चीज़ का पता चल गया था कि दोनों अब अंतरंग मन इंटीमेट फ्रेंड्स बन चुकी थीं। इसी को यहाँ पे अपने वर्ड से में लिखेंगे, द मेट्स सा द बर्ड ईटिंग राइस फ्रॉम द प्रिंसेस एंड दस द मेट्स ऑफ ऑनर कम टू नो दैट द प्रिंसेस एंड द बर्ड हैड बिकम इंटीमेट फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द न्यू बर्ड वॉज फुल ऑफ न्यू सॉन्ग्स बट द ओल्ड पैरट्स ऑलवेज रिपीटेड देमसेल्स, व्हाट डिड दे से। नई चिड़िया कई सारे नए नए गाना गाती थी, लेकिन जो पुराने तोते थे वे खुद को दोहराया करते थे। वे क्या कहते थे। देखिए, वे जो है ना गॉड सेव द किंग और पिटी पॉली, इन दोनों को ही बार बार दोहराते रहते थे। इसी को आंसर में लिखेंगे, द ओल्ड पैरट्स ओनली रिपीटेड गॉड सेव द किंग एंड पिटी पॉली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द किंग्स ओपिनियन अबाउट हिज काउंसिलर्स, व्हाई डिड ही फॉर्म दैट ओपिनियन। राजा का अपने मंत्रियों को लेकर क्या राय था और उनका राय ऐसा क्यों था। देखिए, राजा का राय मंत्रियों को लेकर अच्छा नहीं था,
उनका मानना था कि उनके जो काउंसिलर्स हैं वो किसी चीज़ के मीनिंग को समझे बिना एक ही चीज़ को तोतों की तरह बार बार दोहराते रहते हैं। इसी को यहाँ पे अपने वर्ड्स में लिखेंगे, द किंग हैड अ लो ओपिनियन ऑफ हिज काउंसिलर्स बिकॉज लाइक पेरेंट्स दे टू रिपीट द सेम थिंग विदाउट अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 के दो पार्ट हैं। इसका फर्स्ट पार्ट है, द एट प्रिंसेस मेड एन ऑफर टू प्रिंसेस सेप्टेम्बर, व्हाट वॉज इट? जो 8 राजकुमारियाँ थीं उन्होंने प्रिंसेस सेप्टेम्बर को एक ऑफर दिया था, वो ऑफर क्या था? देखिए, वो ऑफर ये था कि वो अपने पॉकेट मनी से प्रिंसेस सेप्टेम्बर के लिए एक नया खूबसूरत तोता खरीदना चाहती थी। इसी को यहाँ पे आंसर में लिखेंगे, द एट प्रिंसेस ऑफर टू बाई अ न्यू ब्यूटीफुल पेरट यूजिंग देयर ओन पॉकेट मनी फॉर प्रिंसेस सेप्टेम्बर। इसी का सेकेंड क्वेश्चन है, वाई इन यूर व्यू डिड दे डू इट? आपके अनुसार उन्होंने ऐसा क्यों किया था? देखिए, वे प्रिंसेस सेप्टेम्बर के गाने वाली चिड़िया से जलती थीं, इसीलिए उन्होंने ऐसा किया था। इसी को यहाँ पे इसके आंसर में लिखेंगे, दे डिड दैट बिकॉज दे वर जेलिस ऑफ प्रिंसेस सेप्टेम्बर्स सिंगिंग बर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड द सिस्टर्स एडवाइज द प्रिंसेस टू डू अबाउट हर बर्ड? बहनों ने राजकुमारी को चिड़िया के साथ क्या करने के लिए बोला था? देखिए, उन्होंने राजकुमारी को उस चिड़िया को पिंजरे में रखने के लिए बोला था ताकि वो चिड़िया जो है बाहर ना भाग जाए। इसी को इसके आंसर में लिखेंगे, द सिस्टर्स एडवाइज्ड द प्रिंसेस टू पुट हर बर्ड इन अ केज। क्वेश्चन 11 के दो पार्ट हैं। इसका फर्स्ट पार्ट है, व्हाट डिड प्रिंसेस सेप्टेम्बर डू टू इंश्योर द सेफ्टी ऑफ हर पेट? प्रिंसेस सेप्टेम्बर ने अपने पेट माने उस छोटी चिड़िया को सुरक्षित रखने के लिए क्या किया था? उन्होंने उसको एक पिंजरे में रख दिया था। इसी को इसके आंसर में लिखेंगे, टू इंश्योर द सेफ्टी ऑफ हर पेट प्रिंसेस सेप्टेम्बर पुट इट इन अ केज। इसी का सेकेंड क्वेश्चन है, हाउ डिड द बर्ड रिएक्ट टू इट? चिड़िया ने कैसे रिएक्ट किया था? चिड़िया को ये बिल्कुल पसंद नहीं आया था। इसी को इसके आंसर में लिखेंगे, द बर्ड डिसलाइक्ड इट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड द बर्ड रिफ्यूज टू बी टेकन आउट इन हर केज? देखिए, इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि जब राजकुमारी चिड़िया को बोलती है कि तुमको पिंजरे के अंदर में ही मैं बाहर घुमाने ले जाऊंगी, तो चिड़िया क्यों मना कर देती है? देखिए, बाहर वो घूमने जाती लेकिन पिंजरे के अंदर में ही कैद रहती तो उसको उड़ने जैसा एहसास नहीं होता, इसलिए उसने मना कर दिया था। इसी को इसके आंसर में लिखेंगे, द बर्ड रिफ्यूज टू बी टेकन आउट इन हर केज। ये पूरा का पूरा हमने क्वेश्चन से लिखा है, बिकॉज इट वॉज नॉट द सेम थिंग एज फ्लाइंग। क्वेश्चन 13 के भी दो पार्ट हैं। इसका फर्स्ट पार्ट है, व्हाट परसुएडेड प्रिंसेस सेप्टेम्बर टू गिव द बर्ड हिज फ्रीडम अगेन? किस चीज़ ने प्रिंसेस सेप्टेम्बर को चिड़िया को फिर से आज़ाद करने के लिए राजी किया था? देखिए, वो चिड़िया कैद में रहने के कारण खाना पीना छोड़ चुकी थी और लगभग मरने के कगार में पहुँच चुकी थी। इसी कारण से प्रिंसेस सेप्टेम्बर ने डिसाइड किया था कि उसको फिर से आज़ाद कर देगी। इसी को अपने वर्ड से हम लिखेंगे, प्रिंसेस सेप्टेम्बर डिसाइडेड टू गिव द बर्ड इट्स फ्रीडम अगेन बिकॉज सी फाउंड इट नियरली डेड इन इट्स केज। अब इसी का सेकेंड पार्ट है, हाउ डिड द बर्ड रिएक्ट टू इट? बर्ड ने आज़ाद होने के बाद कैसे रिएक्ट किया था? जो चिड़िया थी वो आज़ाद होने के बाद खुशी से उड़ गई थी। इसी को इसके आंसर में लिखेंगे, द बर्ड रिएक्टेड बाई हैप्पीली फ्लाइंग अवे व्हेन इट वॉज सेट फ्री। क्वेश्चन 14 है, प्रिंसेस सेप्टेम्बर केप्ट हर विंडो ओपन डे एंड नाइट। प्रिंसेस सेप्टेम्बर दिन रात अपने खिड़की खोल के रखती थी। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड इट हेल्प द बर्ड? इसने चिड़िया की मदद कैसे की थी? देखिए, दिन रात 24 घंटे खिड़की के खुले होने के कारण वो जो चिड़िया थी वो प्रिंसेस सेप्टेम्बर के कमरे में कभी भी आज़ादी से आ सकती थी। इसी को इसके आंसर में लिखेंगे, प्रिंसेस सेप्टेम्बर केप्ट हर विंडो ओपन डे एंड नाइट सो दैट द बर्ड कुड फ्रीली इंटर द रूम। इसी का सेकेंड क्वेश्चन है, हाउ डिड इट हेल्प द प्रिंसेस हरसेल्फ? माने खिड़की के खुले होने ने राजकुमारी की मदद कैसे की थी? देखिए, खिड़की के खुले होने से कमरे में ताजी हवा और प्राकृतिक रोशनी आया करती थी जिससे प्रिंसेस सेप्टेम्बर की खूबसूरती बढ़ गई थी। इसी को अपने वर्ड से हम लिखेंगे, द फ्रेश विंड एंड नेचुरल लाइट हेल्प्ड द प्रिंसेस इनहांस हर ब्यूटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एट सिस्टर्स केप्ट देयर विंडोज शट
हाउ डिड इट अफेक्ट देम। देखिए, आठों बहनें हमेशा अपनी खिड़कियों को बंद रखती थीं, इससे उनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ा था। इसी कारण से वे बदसूरत हो गई थीं, क्योंकि वो हमेशा खिड़कियों को बंद रखती थीं। इसी को इसके आंसर में लिखेंगे, द एट सिस्टर्स बिकेम अगली बिकॉज दे केप्ट देयर विंडोज शट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर द सिस्टर्स अनकाइंड एंड क्रूअल, फाइंड एविडेंस इन द टेक्स्ट टू सपोर्ट योर आइडिया। क्या राजकुमारी की बहनें निर्दयी और क्रूर थीं? हमने जो स्टोरी पढ़ा है उससे एविडेंस को कलेक्ट करके इसके सपोर्ट में लिखना है। हाँ, राजकुमारी की बहनें निर्दयी और क्रूर थीं, क्योंकि वो उससे जलती थीं जब उन्होंने देखा कि उसकी चिड़िया उनके तोतों से ज़्यादा अच्छा गा रही है, तो इसको बर्दाश्त नहीं कर पा रही थीं। इसीलिए उन्होंने उसको सलाह दिया था कि उस चिड़िया को पिंजरे में रखे। इसी को यहाँ पे अपने वर्ड से हम लिखेंगे, यस द सिस्टर्स वेयर अनकाइंड एंड क्रूअल, दे वेयर जेलिस व्हेन दे सॉ दैट हर्बर्ट कुड सिंग सो ब्यूटीफुली व्हिच देयर पेरेंट्स कुडंट, दे एडवाइज्ड हर टू कीप द बर्ड इन अ केज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच टू यू इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट आइडिया इन द स्टोरी एंड वाई। इनमें से कौन सा आपके अनुसार सबसे महत्वपूर्ण आइडिया है इस कहानी का और क्यों? इसमें फर्स्ट है इम्पोर्टेंस ऑफ म्यूजिक, सेकंड है वैल्यू ऑफ फ्रीडम और थर्ड है ब्यूटी ऑफ नेचर। देखिए, इस कहानी में जो सबसे महत्वपूर्ण आइडिया है वो है वैल्यू ऑफ फ्रीडम, माने आज़ादी का महत्व, क्योंकि जीवन की खूबसूरती आज़ादी में है, गुलामी में नहीं है। इसी को इसके आंसर में लिखेंगे, द मोस्ट इम्पोर्टेंट आइडिया इन द स्टोरी इज द वैल्यू ऑफ फ्रीडम बिकॉज द ब्यूटी ऑफ लाइफ इज इन फ्रीडम नॉट इन कैप्टिविटी। अब लास्ट में एक MCQ क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, जिसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। इन हाउ मेनी लैंग्वेजेज कूड दे से प्रिटी पोली। ऑप्शन A5, B7, C9, D11। आशा करता हूँ वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।